एक्सेल में अगर अटेंडेंस शीट बनानी है, अटेंडेंस शीट जैसा कि रजिस्टर वाला होता है, तो कैसे बनाएंगे उसको देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल ओपन करना है, ये एक्सेल ओपन है, ठीक है। अटेंडेंस शीट दिखेगी कैसे, ये देखो तो ये अटेंडेंस शीट है हमारी, इसको देख लो एक बार। तो सबसे पहले यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी है, फिर एम्प्लॉय नेम है, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फिर पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम लेके चलेंगे, दो ही चीज लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देते हैं। बाकी आज का डेट देखना है, आज कौन सा डेट है, तो आज है 12 तारीख, 7वां महीना 2023, ठीक है। और आज दिन कौन सा है, तो दिन भी देखना पड़ेगा, कौन सा दिन है आज, बुधवार है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखनी होगी। तो सबसे पहले कहाँ चलना है, एक्सेल पे चलना है, तो ये एक्सेल पे आ गए हम। सबसे पहले यहाँ लिखना है एम्प्लॉय आईडी, तो ये हो गया एम्प्लॉय, फिर हो गया यहाँ आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी हमने लिख दिया। यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय आएगा, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय कर देते हैं, ये एम्प्लॉय लगा दिया, तो ये हो गया नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब क्या करना है, यहाँ से हमें आज का डे पता करना है कि आज कौन सा डे है, ठीक है, और कौन सी तारीख है, ठीक है। सबसे पहले हम 1 तारीख से चालू करेंगे, ये कौन सा महीना है, जुलाई का, और जुलाई का महीना कितने का होता है, 30 का होता है कि 31 का, 31 का होता है। तो यहाँ पर 31 तक डेट हम इंसर्ट कराते चलेंगे, 31 हो गया, ठीक है, ये डेट आ गई अपने आप, ठीक है, आ गई ना। अब ये तो हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें वो भी चाहिए, दिनों के नाम भी चाहिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ऊपर एक और रो इंसर्ट करा लेंगे इस तरीके से, ये इंसर्ट हो गया। अब आज कौन सी तारीख है, 12 तारीख है, तो 12 तारीख को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, वेडनेसडे, WED लिखते हैं और यहाँ वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से उल्टा चलेंगे इधर की तरफ, आए और आए, 1 तारीख तक पूरा आएंगे, ठीक है, ये आ गए, तो यहाँ पे दिन आ गया, ठीक है, आ गया ना। अब यहाँ से ऐसे चलेंगे, 31 तारीख तक बढ़ते चले जाएंगे, तो ये आ गए, तो यहाँ पर सारे दिन आ गए, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि 31 तारीख को मंडे था कि नहीं, तो यहाँ देखिए ये कैलेंडर है, और 31 तारीख को मंडे होगा कि नहीं ये चेक करना है, तो यहाँ देखिए 31 तारीख है और दिन कौन सा है, मंडे है, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर वे में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय देना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं, मर्ज करने की शॉर्टकट की होती है HMM, ये शॉर्टकट की होती है मर्ज कराने की, तो ये मर्ज हो गया। फिर इसको भी मर्ज कराना है, तो Alt HMM करेंगे तो ये भी मर्ज हो जाएगा, लेकिन रिसाइज अभी तक नहीं हुआ है, तो रिसाइज भी करना होगा। तो पहले तो हम इम्प्लॉय, ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया, रिसाइज कैसे करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यही दोनों सेल हमें रिसाइज करना है, तो Alt HOI करेंगे तो ये रिसाइज हो जाएगा, रिसाइज हो गया ना, अपने आप ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से एक काम करना है, यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी देना है, तो यहाँ पे करते हैं E01, ये पहला इम्प्लॉय आईडी हो गया, और यहाँ पे E02 कर देते हैं, ये दूसरा इम्प्लॉय आईडी हो गया। तो एक्सेल के अंदर इनेबल फिल हैंडल होता है, तो यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सबका आता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लॉय का नेम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ एक नाम लिख देते हैं, राजकुमार सिंह, ये एक नाम लिख दिया हमने, ठीक है, ये इम्प्लॉय है और इनका इम्प्लॉय कोड यहाँ पर आ ही रहा है बगल में। इसके बाद आता है सचिन वर्मा, तो ये दूसरा इम्प्लॉय नेम है, ठीक है, तो यहाँ पर सचिन वर्मा कर देते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे तीसरा इम्प्लॉय नेम आएगा, ठीक है, लोकेश सिंह, ये तीसरा इम्प्लॉय नेम आ गया, ठीक है, राजेश पांडे, ये चौथा इम्प्लॉय नेम आ गया, ठीक है, राजेश खाली लिख देते हैं, और यहाँ पे हीना खान कर देते हैं, ये अगला हो गया इस तरीके से, KHAN, ठीक है, और फिर यहाँ पे अगला कर देते हैं गौरव, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं एक और नाम सोनू, ठीक है। तो ये सारे इम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इम्प्लॉय के नाम लिख दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ये देखना होगा, अच्छा छुट्टी किस किस दिन रहती है, संडे को तो छुट्टी रहती है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, देखना होगा कि संडे कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो संडे देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो देखिए संडे कहाँ है, इसको चेक करेंगे, यहाँ पे संडे है ना, तो संडे जहाँ पर भी होगा वहाँ पे लिखेंगे SUN संडे, और यहाँ पर नीचे भी आएंगे तो लिखेंगे SUN संडे, ठीक है, ऐसे ही लिखना है हमें, ठीक है ना। और ये लिख करके क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और देखना है कि कहाँ तक हमारा ये है, देखिए यहाँ पर, तो वहां तक हमें इसको ड्रैग करा देना है, तो ये ड्रैग करा दिया हमने, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ऐसे इधर आना है और यहाँ पर आकर के क्या करना है, SUN संडे, ठीक है, और यहाँ पर SUN संडे, ठीक है, दोनों को ले लिया हमने, और यहाँ पर इसको पकड़ के और यहाँ से ड्रैग करा देंगे, ठीक है। तो ड्रैग करा दिया, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आ गया इस तरीके से, ठीक है, और फिर देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो ये है ना, यहाँ पे रखेंगे, अच्छा दोनों बार संडे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको यहाँ से सीधा सीधा ड्रैग कर देंगे
तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखो ये है ना, इस तरीके से खींचा हमने, ये देखो ये मंडे ट्यूसडे आता चला जाएगा, तो हमें मंडे ट्यूसडे तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ संडे ही चाहिए, तो दो बार संडे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर इनेबल फिल हैंडल होता है, जिसके चलते अगर दो बार संडे लिख के नहीं करोगी तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ आया, ये हो गया। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ना है इधर, और इधर क्या करना है, यहाँ पर भी संडे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एस यू एन, फिर यहाँ पर एस यू एन, संडे हो गया, और दोनों संडे लिख करके इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ड्रैग करवा दीजिए बस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखते हैं और कहीं संडे बचा हुआ है क्या, तो यहाँ पर एक और बचा हुआ है संडे, तो यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, एस यू एन और फिर यहाँ पे एस यू एन करके, और इन दोनों को सेलेक्ट करके और नीचे ड्रैग करवा देंगे, तो सबका आता चला जाएगा इस तरीके से। ये आ गया, सबका आ गया। अब क्या करना है यहाँ से, यहाँ पर कुछ लोग जो है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग प्रेजेंट होंगे कुछ, अच्छा यहाँ पे ये मिडिल में अलाइन नहीं हुआ है, सेंटर में तो हो सकता है कि अलाइन हो, नहीं है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा, हाई दोनों बीच में आ जाएगा, अगर मिडिल अलाइन कर देंगे तो बीच में आ गया, तो और अच्छा लग रहा है अब देखने में, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से इस पूरे डेटा को करना है सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके करेंगे क्या, अभी थोड़ा सा हम यहाँ प्रेजेंट एब्सेंट लगा लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट यहाँ पे पी कर देते हैं, यहाँ पे पी करते हैं, पी माने प्रेजेंट, समझ में आ रहा है, यहाँ पे फिर पी करेंगे, फिर यहाँ पी करेंगे, फिर यहाँ पी करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एब्सेंट होता है तो उसके लिए ए लिखेंगे, ठीक है ना, तो अभी तो फिलहाल प्रेजेंट ही है, तो यहाँ प्रेजेंट करते चलते हैं, ये पी हो गया, फिर ये पी हो गया, फिर ये पी है, तो ये प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट माने पी, पी यानी प्रेजेंट के लिए पी लगाया जाता है, ठीक है ना, ये पी हो गया सब, और यहाँ पे लास्ट में पी। अब यहाँ पर कोई अगर एब्सेंट भी होता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, ठीक है ना, अगर कोई एब्सेंट होता है इनकेस तो उसके लिए ए लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एम्प्लॉई है जो एब्सेंट हो गया, तो यहाँ ए एक बार मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके से करते चलेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी तरीके से इसको पकड़ के कॉपी करता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो एक अटेंडेंस शीट ही बनानी है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लेके आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से जाके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया, अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो अगर ये एब्सेंट हुआ है तो यहाँ ये कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी सेम वही चीज कॉपी करके पेस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं ये चार, इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को उठाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, एब्सेंट है तो ये प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, ओके, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा संडे आया हुआ है तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा संडे आया हुआ है तो इसको भी हटा दीजिए, बाकी तो चलता रहेगा। ये यहाँ से पकड़ेंगे इसको पूरा और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर भी सेम चीज करना है हमको, कॉपी पेस्ट, तो ये हो गया, ठीक है। अब बचा दो, तो यहाँ से इस दोनों को हम कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको पकड़ के कंट्रोल सी और इसको कंट्रोल वी कर देंगे, एक ही है बल्कि दो नहीं है तो सिंगल ही करेंगे कॉपी, इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो ये हो गया। अब ये सब होने के बाद करना क्या है हमको, देखिए काम बहुत आसान हो गया। अब करना क्या है कि ये पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, सेलेक्ट करिए, अच्छा पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए कर दीजिएगा, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कहाँ चले जाइएगा, ये फॉर्मेट दिख रहा है ना, यहाँ पर चले जाइएगा और यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है, तो ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर देते हैं, ऑटो फिट कॉलम विथ, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो संडे आ रहा है इसको हटा देंगे, ये सब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया है एक, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ही आ जाएगा। अब जब आ जाए तो क्या करना है, तो जब आ जाए तो इसको पूरे को आपको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ले करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर प्रेस कीजिएगा एक शॉर्टकट की, अल्ट एच बी ए, ये हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके इसको जो भी जिस भी कलर में लेके आना हो, जैसे मान लो ब्लैक चाहते हो, व्हाइट चाहते हो, जो भी कलर चाहते हो, जैसे इस पूरे को हम क्या करते हैं येलो कलर में कर देते हैं, इन दिनों का नाम, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जाओ येलो कलर में कर दो, ठीक है। बाकी ये एम्प्लॉई आई डी और ये सारी चीज़ें जिस भी कलर में चाहें उस कलर में कर सकते हैं, इसको रेड कर देते हैं, नीचे वाला ये जो है ना
ये डेट इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेड हो जाएगा, यहाँ से जाकर के रेड कर सकते हैं, ये रेड कलर कर देते हैं, ये रेड अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं तो अब अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भड़क रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना, तो अब क्या करेंगे, इसको भी रेड कर देते हैं ना। अब मान लो कि एक साथ सबको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, तो एक को सेलेक्ट करोगे तो दूसरा हट जाएगा। तो इसका तरीका यह है कि एक को सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल बटन प्रेस कर लो, कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। अब कंट्रोल बटन प्रेस किए किए इसको सेलेक्ट कर लो, छोड़ना नहीं है, एक बार कंट्रोल प्रेस करके एक साथ सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहां से संडे, ठीक है, और यहां से इसे व्हाइट बना देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये सब जब व्हाइट बन जाएगा तो क्या करना है, जब व्हाइट बन जाएगा तो काम बहुत आसान हो गया है। अब क्या करेंगे, यहां से अब कैलकुलेशन प्रारंभ करेंगे, कैसे, इधर आते हैं। अब हमको ये पता करना है कि यहां पर वर्किंग डेज पता करना है, वर्किंग डेज, ठीक है, ये वर्किंग डेज हो गया, ठीक है। अब टोटल डेज करेंगे, टोटल डेज, TOTAL, टोटल डेज, ठीक है, प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज निकालेंगे, एब्सेंट डेज, ठीक है, ये सारी चीजें निकालनी है। तो अभी वर्किंग डेज कैसे निकलेगा और टोटल डेज कैसे निकलेगा, तो टोटल डेज तो निकालना बड़ा आसान है। क्या करेंगे आप, पहले तो हम इनको दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे, इन दोनों को एक साथ मर्ज करना है, इन दोनों को एक साथ मर्ज करना है, इन दोनों को एक साथ मर्ज करना है, और इन दोनों को एक साथ मर्ज करना है। तो Alt H M M प्रेस करेंगे, ये सब एक साथ मर्ज हो जाएंगे, और यहां पे क्लिक कर देंगे तो ये मिडिल अलाइन भी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये होने के बाद डबल क्लिक करेंगे, ये सब इस तरीके से हो जाएगा, और यहां पर ये रख करके और फिर क्या करना है, यहां पे रखेंगे, ठीक है, और यहां पे रखने के बाद क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है, वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से स्टार्ट होता है, वर्किंग डेज और टोटल डेज कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले टोटल डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल डेज को काउंट करने के लिए क्या, सी ओ यू एन टी, काउंट ए लगाएंगे, काउंट नहीं लगाएंगे, काउंट ए लगाएंगे, क्योंकि काउंट ए टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है, और काउंट सिर्फ किसको काउंट करता है, इंटीजर्स को काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है ना। अब यहां से वापस चलेंगे, ये यहां से पकड़ा हमने, और यहां से पकड़ के इसको इधर की तरफ जाएंगे, हो गया, एंटर कर दो, यहाँ पे 31 दिन आ गया ना टोटल, डबल क्लिक करो, सबका आ जाएगा। अब वर्किंग डेज और प्रेजेंट, अब प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करते हैं, कितने दिन ये प्रेजेंट रहे, तो इसके लिए काउंट इफ का फॉर्मूला, सी ओ यू एन टी, काउंट इफ, ये लगा दिया। अब हाँ, काउंट इफ, काउंट और इफ दोनों एक साथ लगा रहा हूं, ठीक है, और फिर वापिस से एक का निकालेंगे, सबका निकलता चला जाएगा, ठीक है, कैसे देखो, ये आए, ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कॉमा दे देंगे, और डबलेटेड कॉमा में क्या लिखेंगे, अच्छा ये देखो, ये डबलेटेड कॉमा में इस तरीके से, ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डबलेटेड कॉमा में पी, क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, लिख दिया, यहां पर देखो, ये लिख करके बंद करके और एंटर करेंगे, क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो एंटर करेंगे तो यहां पर देखो 21 दिन आ गया, ये कितने दिन प्रेजेंट रहे, 21 दिन यहां पर आ गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर आएंगे तो अब ये वर्किंग डेज, अभी वर्किंग डेज नहीं कैलकुलेट होगा, अभी एब्सेंट डेज कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू फिर काउंट इफ लगाएंगे, सी ओ यू एन टी, काउंट और इफ, काउंट इफ हो गया, और फिर क्या करेंगे, वापिस से सेलेक्ट करेंगे, तो यहां से चल के सेलेक्ट करो, ये पकड़ो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और डोमेटेड कॉमा में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यानी एब्सेंट डेज, एब्सेंट डेज के लिए ए लिखा था, बस एंटर कर दो, ये 5 दिन एब्सेंट रहे हैं, जिसका जितना दिन एब्सेंट रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां वर्किंग डेज करना है, तो यहां पर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, किसको किसको, इसको जोड़ लो प्लस इसको जोड़ लो, तो दोनों का वर्किंग डेज कैलकुलेट हो जाएगा, ये 26 दिन वर्किंग डेज है, ठीक है। छुट्टी कितने दिन रही, संडे, संडे को तो छुट्टी ही है, चाहो तो यहाँ पे लीव बिल कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी लीव कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं वापिस से, और इसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, कैसे, यहाँ पे Alt H O I करेंगे, क्या करेंगे, Alt H O I, Alt H O I करेंगे तो ये फॉर्मेटेड हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये परसेंटेज आ गया है, तो इसको जनरल बना देना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है, Alt H O I करने से ये फॉर्मेट हो जाता है।
और इस तरीके से ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, Alt HBA करना है, तो ये ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाएगा। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट हो गया और आपके पास एक बहुत अच्छी अटेंडेंस शीट बन के आ गई, देख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, कैसे बनी है अटेंडेंस शीट, समझ में आया। अब मान लो कि अगर कोई एक आपको भूल गया हो एब्सेंट लगाना और ये एब्सेंट रहे हो यहां पर, इसको मैं एक देखो डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर ये एब्सेंट थे लेकिन हमने क्या लगा दिया, प्रेजेंट लगा दिया, तो यहां पर हटा करके ए कर दो। अच्छा अभी इनकी स्थिति देखो जरा क्या है, इधर मैं लेके चलता हूं, ये कौन है भाई, देखो इनका नाम क्या है, लोकेश सिंह, रोल नंबर कितना है, 3 है, तो लोकेश सिंह 1 2 3 यही ना है, अभी 0 दिख रहा है यहां पे। अगर मैं एंटर कर देता हूं तो यहां पे क्या दिखेगा, क्या दिखना, 1 दिखने लगा ना, एक बार एब्सेंट कर दिया तो 1 दिखने लगा। अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, यही बनाना है आप लोग को, ठीक है।